नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको प्लस सिंबल की हेल्प से स्कूटर का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, प्लस सिंबल की हेल्प से स्कूटर का चित्र। आपको पहले एक प्लस सिंबल यहाँ पर बनाना होगा, और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। प्लस सिंबल बनाएंगे, फिर नीचे के साइड में आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना होगा। इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ यहाँ तक बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद गाइज, आपको देखिएगा ध्यान से, इधर से एक हाफ सर्कल बनाना होगा। इसको हम यहाँ से ले जाएंगे, फिर नीचे की तरफ इस साइड बढ़ा दीजिएगा। इस लाइन को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर आपको यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन को ड्रॉ करना होगा। बहुत ही आराम से करिएगा, ऊपर की तरफ हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हल्की सी तिरछी लाइन यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ से एक ओवल शेप बनाइएगा। आपको हल्का सा अंदर की तरफ करना होगा, ये हो जाएगा। इसको हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए बहुत ही सावधानीपूर्वक आप यहाँ पर लाकर ऐसे मिलाइएगा। अब देखिएगा, आपको इसको हल्का सा इधर करना होगा, यहाँ से डबल करिए, ये हो जाएगा। हल्का सा ऊपर की तरफ करिए, यहाँ पर मिलाइएगा। और गाइज, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अब आपको ऊपर के ही साइड में, पहले तो इस लाइन को थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लाइन को बढ़ाने के बाद इस वाले प्लस सिंबल की हेल्प से एक हाफ सर्कल बनाइएगा, यहाँ तक लाकर छोड़िएगा। नीचे के साइड में छोटा सा हाफ सर्कल बनाइए, ये हो जाएगा। इधर से आप छोटी सी लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करिएगा। फिर गाइज, आपको देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए आपको इधर ऐसे ले जाना होगा, यहाँ तक ले जाइए। फिर इसको हमें यहाँ तक ऐसे मिलाना होगा, इसको नीचे की तरफ इस साइड मिलाइएगा। और आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ तक ले जाइएगा, और प्लस सिंबल का यूज करते हुए यहाँ पर मिलाइए। एक लाइन इधर बढ़ाइएगा, ऊपर के साइड में एक लाइन ड्रॉ करिए, इसको हम डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पर, एक लाइन इधर, आगे की तरफ लाइन बढ़ाइएगा। इसको हम यहाँ से ऐसे डबल करेंगे, यानी कि आपको बनाना है इस स्कूटर का सीट, यहाँ पर बना दीजिएगा। छोटी सी लाइन, एक लाइन इधर, फिर से आपको यही सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा दोस्तों। यहाँ से ऐसे करिए, एक सीट आप इधर भी ऐसे बहुत ही आसानी से बनाइएगा। नीचे की तरफ लाइन, 1, 2, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब देखिएगा, आपको यहाँ पर एक गोल प्रकार का यूज कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास ये वाला सर्किल है तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कॉइन हो तो आप कॉइन का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको एक सर्किल बनाना, हाफ सर्किल बनाना होगा, इधर से ऐसे मिलाइएगा। अभी इसको डबल भी करना होगा, डार्क करना है दोस्तों। देखिएगा, यहाँ से भी आप ऐसे करिएगा, इसको टच करिए, फिर इधर से ले जाइए और इसको हम ऐसे मिला देंगे। बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसको डबल कर दीजिएगा, यहाँ से करिए, ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा। सेम आप इस साइड भी रिपीट कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसको हम इधर ऐसे बढ़ाएंगे। अब देखिएगा, एक लाइन आगे की तरफ ड्रॉ करिएगा। इसको एक जहाँ से हम इस स्कूटर को स्टार्ट करेंगे, यानी किक बनाना है आपको, पीछे के साइड में किक बन जाएगा। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करिएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको डबल कर दीजिए। नीचे की तरफ आप एक छोटा एक स्टैंड बना दीजिएगा, इसको हम खड़ा कर देंगे। अब आपको इसका हैंडल भी बनाना होगा, यहाँ से हैंडल बना दीजिए, एक ब्रेक आप इधर बना दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए। आपको एक मिरर भी बनाना है, लाइन ड्रॉ करिएगा, हल्का सा हाफ सर्किल इधर, आप इसको ऐसे डबल कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा। डबल हो जाने के बाद दोस्तों, आगे के सिरे पर आपको हेडलाइट भी बना देना होगा, यहाँ से करिए, इसको डबल कर दीजिए। ये हो गया, एक लाइन इधर करिएगा, हल्का सा अंदर की तरफ करिए, यहाँ से नीचे की तरफ करिएगा, छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करेंगे, और इधर से भी आप ऊपर की तरफ से भी लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसानी से दोस्तों प्लस सिंबल की हेल्प से स्कूटर का चित्र बनके तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं।